कॉकटेल मोहितो की वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, डाल चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो बना रहा हूँ थोड़ा सा सोप से रिलेटेड। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी सोप कहाँ पे है, क्या काम करते हो, तो मैं थोड़ा सा सोप दिखाऊंगा। बहुत बड़ी तो नहीं है सोप एक्चुअली, तो थोड़ी सी सोप दिखाऊंगा। प्लस काफ़ी लोगों का मतलब माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि पता नहीं ये इतना ट्रैवलिंग में खर्च करते हैं, कि इतना पैसा कैसे फूकते हैं ट्रैवलिंग में, वेस्ट ऑफ मनी है ट्रैवलिंग। तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चलता है, कुछ पूछ लेते हैं कमेंट में, कुछ जो है नहीं बोलते कई बार। तो मैं उसका भी बताऊंगा, बट ये किसी के अगेंस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए अपना व्यू बताना चाह रहा हूँ कि हमारा क्या व्यू है ट्रैवलिंग को लेके, और हम क्यों ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, क्यों इतना पैसा भी वेस्ट होता है। तो ऑब्वियसली पैसा वेस्ट होता ही है ट्रैवलिंग में, तो क्यों करते हैं उन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड आज की वीडियो हम रखेंगे, और अभी शॉप पे ही हूँ। तो पहले आपको शॉप दिखाता हूँ, और अभी शॉप की मालकिनी भी पीछे बैठी हुई है, तो वो अपने अभी मुझे ज्वाइन कर लेंगी थोड़ी देर के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये बैठी हैं मालकिन, और ये है सोप। एक्चुअली स्पेक्टिकल की सोप है ये, हमारी छोटी सी सोप है। और जब ही लॉकडाउन हुआ था, उससे मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले हमने सोप यहाँ शिफ्ट की थी दूसरी जगह। तो अभी बहुत सारे काम रह गए, जैसे कि इधर की साइड हमें कर्टेंस वगैरह लगाने हैं, ये पूरा वाईफाई वगैरह ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है अभी। और ये आई चेकअप का है पूरा, यहाँ से इधर आई चेकअप करते हैं, तो आई चेकअप पूरा ये मैडम संभालती हैं पूरा उस सेक्शन को। और बाकी ये काउंटर है, सारे चश्मे वगैरह यहीं पे दिखाए जाते हैं। और अभी ये मैंने अपनी लाठी बांध दी है यहाँ पे, कोई इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो उसकी लाठी से पिटाई हो जाएगी, तो इसलिए इधर कोई नहीं आता है, ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाई है। एक्चुअली लोग बाग ना घूम के इधर आ जाते थे पहले। सो गाइज, ये है छोटी सी शॉप अपनी, और इसका एड्रेस मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। नाम भी, नाम है विजन डेस्टिनेशन। और यूजुअली शॉप पे हम मतलब रीजनेबल ही रेट रखते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेसमैन तो हम थे नहीं, हम तो थे फार्मिंग फैमिली से, और पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में तो बहुत धोखे खाए। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पहचानना सीखा कि हाँ भाई, नहीं लोग पागल बनाते हैं बहुत आके शॉप पे। तो कई बार शुरू में मैं तो इस तरह करता था कि फ्री में भी चश्मा दे देता था कुछ को, तो कि गरीब है ये सोच के कि चल कोई नहीं गरीब है, थोड़े बहुत पैसे दे जा तू और बाकी ले जा छोड़ दे। तो लेकिन ये प्रॉपर बिजनेस लेडी हो गई अब, क्योंकि इन्होंने सब झेल लिया, इन्हें सब पता चल गया कि लोग कैसे कैसे आके पागल बनाते हैं यहाँ पे। तो सेकंड चीज़ जो हम बताना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे हम ट्रैवलिंग वगैरह क्यों करते हैं इतना और कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये बताएंगी, फिर उसके बाद बीच बीच में हम बताते रहेंगे दोनों मिक्स। ट्रैवलिंग का क्या है? ट्रैवलिंग ना, जैसे कई लोगों को लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है, आप ज़बरदस्ती के पैसे उसमें खर्च कर रहे हो आके। तो मतलब ये ना, एक बार मेरा बेटा छोटा था, छोटा इन द सेंस कि वो ऐसे 5th या 4th में होगा, तो उसने आके मेरे को बोला कि मम्मा, मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि 4 दिन वहाँ रह भी लेगा तो क्या हुआ, वापस आके तो तुझे यहीं रहना है अपने घर पे, तो पैसे फूकने क्यों जा रहे हो तुम लोग। तो ये वाला प्रॉस्पेक्टस मैंने बहुत सारे लोगों का देखा। कई लोग जैसे मतलब नॉर्मली भी हमें कहते रहते हैं कि तुम ज़बरदस्ती का पैसा फूकते रहते हो, ये है सो है। हमारे पेरेंट्स खुद बोलते हैं इवन दो के वो उन्हें पता ही नहीं, वो बोलते हैं कि कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, क्यों पैसे फूकते हो इतना, तुम अपने लिए कुछ नहीं जोड़ते हो ये वो, और बहुत सुन डांटते भी हैं तो। बट उन्हें नहीं पता एक्चुअल में हम क्या चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या चीज़ें एन्जॉय करते हैं, और डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के बारे में सीखते हैं। बहुत मतलब नॉलेज बहुत अच्छी गेन होती है अगर आप ट्रैवलिंग करते हो। दूसरी चीज़ अपना शौक है, मेरा भी अपना ये शौक है, तो मैं कई बार पापा को बोल देता हूँ, पापा आपने अपने शौक पूरे किए, मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ, तो जो मुझे मन करता है वो मैं कर लेता हूँ, तो इसलिए अब मैं शांत कर देता हूँ उन लोगों को। तो
एक्चुअल में क्या होता है, ट्रैवलिंग का ऐसा रहता है, देखो जो भी बंदा ट्रैवलर होगा ना उसको हर जगह की नॉलेज होगी, वो कहीं भी कभी भी सरवाइव कर सकता है। मतलब उसके लिए कोई कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि लाइक अब सब कुछ ख़त्म हो गया, इसके बाद हम दोबारा से शुरू नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ जब ऐसा लगता था कि अब सब ख़त्म और वहाँ से हमने दोबारा स्टार्ट किया। तो ट्रैवलर होने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। मतलब आपको हर चीज़, हर जगह के बारे में पता होती है, हर कल्चर के बारे में सब कुछ आपको पता होता है। एक तो ये होता है, दूसरा क्या, जब मैं छोटी थी मुझे तब से पता ये चीज़ रहती थी कि एक दिन ना मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। तो वो वाली चीज़, मतलब दुनिया तो खैर नहीं घूम पाई अभी, बट उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि दुनिया घूमे। तो एक चीज़ होती है ना लाइफ जीना, और एक चीज़ होती है जस्ट कर्ज उतारना। तो लाइफ को हम लोग फुल्ली जीने का ट्राई करते हैं। मतलब ये चीज़ ना मैंने नोटिस की, जब या तो आप एक चीज़ को, आपके पास आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आके पड़ी है, उसको रो के भी आप नहीं झेलना है, हंस के भी आप नहीं झेलना है, तो हंस के झेल लोगे ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिलती है। एंड दूसरी चीज़, मूड रिफ्रेश होते ही होता है। आप बाहर घूम के आते हो तो एटलीस्ट 1 मंथ तक आप बड़े अच्छा एनर्जी के साथ में काम करते हो, जो भी आपका वर्क है, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिजनेस करते हो, तो एनर्जी मतलब आपकी अच्छी हो जाती है। दूसरा, नॉलेज तो ऑब्वियसली बढ़ती बढ़ती है, वो तो कोई वो है ही नहीं। और जो मुझे मेन मतलब फ़ायदा लगता है, आप किसी भी कंडीशन में आप ढल जाते हो इजीली। आपको पता है कि हाँ अब ये सिचुएशन चल रही है, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब अपने आप को चेंज कर लेते हो इजीली। अगर आप ट्रैवलिंग में ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती हैं, जब ट्रैवलिंग में कई बार हो सकता है मुझे भूखा भी रहना पड़ता है, कई बार बहुत दूर तक हमें कुछ खाना ही नहीं मिल रहा, तो हम उन चीज़ों को मतलब सीख जाते हैं कि हाँ अभी इस कंडीशन में खाना नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना है, हम फ्रूट खा के काम चला लिए या पानी पिया या फिर कुछ मतलब जूस वगैरह पी लिया। तो इस तरह से मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चेंज होते रहते हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी लोगों का मानना होता है, मेरे लिए पैसा ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए खुशी ज़्यादा प्रायोरिटी है। स्पेशली हम खुश रहते हैं तो वो ज़्यादा मैटर करती है हम लोगों के लिए, इसलिए हम ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और आगे प्लान है कि और भी ट्रैवलिंग करते ही रहेंगे। देखो कहाँ तक सक्सेस होंगे, कितने दूर तक जाएंगे इस लाइफ में। एक्चुअली मेरा जो ख्वाब था, मतलब वो मेरा ड्रीम है और अभी लगा हुआ हूँ, कंप्लीट नहीं हो पाया। मेरा क्या, मैं चाह रहा था कि बेटे को और हम सारे कनाडा से सेटल हो जाएं, तो बट आयल्स मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, जो रिक्वायर्ड बैंड थे वो नहीं आ पाए, तो इसलिए मतलब वो अभी बीच में रुक गया। तो वो चीज़ें मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर से कई बार करोती रहती है, मुझे अंदर अंदर फील होती रहती है कि यार मैंने ये चीज़ नहीं कर पाया मैं, और एक यही ऐसी चीज़ है जिसे मैंने अचीव नहीं कर पाया हूँ अभी तक। बाकी मैंने और कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो जिसके पीछे लगा और उसे करके ना छोड़ा हो, बट इसके पीछे भी लगा रहूँगा चाहे कितना ही टाइम लग जाए। तो होप करूँगा कि कैसे ना कैसे कनाडा तो जाऊँगा, वहाँ तो हम घूम के आएंगे चाहे टूरिस्ट वीज़े पर जाएँ। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। प्लस जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।